भगवान को करे सेवा निष्काम। गुरु महाराज और गुरुवाणी, भगवान कृष्ण सेवा सबकी जो करे, सबको सुख पहुंचाए, अर्जुन उसकी कीर्ति मुझसे कही ना जाए। तेरे सेवक को भौ कछु नाही, यम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जो सेवा में लगे हुए हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि यहां के संत कौन हैं, देवियां फर्श साफ कर रही हैं। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने इशारा किया कि यही यहां के संत हैं। सेवा, सेवा में हरि आप हैं, सेवा में हरि आप हैं, सेवा हरती पाप। मानव को लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, तेरे से वह परमात्मा अगर सेवा करवा रहा है, तेरे ही पीकिए पाप कर्मों को वह काट रहा है। किस बात का अभिमान कि मैं सेवा, तू क्या कर सकता है। चार वर्ण है, विधाता ने इस धरती पर उसने ही भेजा है इस सारी सृष्टि को चलाने के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण है। भगवान ने कहा अगर यह चारों जो इनका कर्म नियत किया गया है, अगर ये चारों अपने अपने कर्तव्य कर्म के काल में ना जागे तो सारे इस ब्रह्मांड में अस्त व्यस्त छा जावे। मेरा कोई विधान है, मेरा कोई नियम है, उसको चलाने के लिए मैंने इस प्रकृति में जो जिस प्रकार से विद्यमान किया है, वह अपना अपना कार्य करके ही सिद्धि को प्राप्त करेगा। कटाक्ष करना, अनुचित बोलना बहुत सुगम है, बहुत सुगम है। ज्ञान का होना यह सर्वश्रेष्ठ है। अगर ब्राह्मण अपना कार्य ना करे, श्रमी अपना कार्य ना करे और क्षत्रिय शूरवीरता अगर वह अपना कार्य ना करे और शूद्र वह अपना कार्य ना करे तो महामारी क्या इससे भी भयंकर अस्त व्यस्त आ जावे समाज में, देशों में, समाज में, इस संसार में। इसलिए अगर वैश्य जो व्यापार में लगे हुए हैं, जो कामकाज में लगे हुए हैं, अगर ब्राह्मण के कार्य को वह निंदा करते हैं तो अज्ञानी है। श्रमी श्रमक नहीं करेगा, किसान अन्न को उपज नहीं करेगा तो जन समुदाय के मुख में वह अनाज कैसे जावेगा। विद्वान ज्ञान को नहीं देगा तो क्या उचित क्या अनुचित इसका निर्णय नहीं कर पावेगा साधारण मानव। अगर शूर वीर क्षत्रिया भय खाकर
बॉर्डर से, देश की सीमा से भयभीत हो जावेगा कि गोला बारूद वहां फट रहा है तो देश सुरक्षित नहीं होगा। अपने प्राणों को तली पर लेना होता है। जे तो प्रेम खेलन का चाव, जे तो प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मेरी आओ। सेवा का मार्ग खड़क की धार पर चलने के बराबर होता है। यह किसी शूरवीर का कार्य होता है। भयभीत हो जाना, डर के भाग जाना, यह सेवक का क्षेत्र नहीं। आज सभी महामारी इस COVID-19 से डरते हैं। क्या कहते हैं? दूरी बना लो। ठीक है, मेडिकल साइंस कहती है अगर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और जो हॉस्पिटल में कर्मचारी है इसका अनुकरण कर लें कि रोगियों से दूरी बनानी है, तो क्या अस्पताल में अस्तव्यस्तता नहीं हो जाएगी? क्या महामारी भयंकर रूप धारण नहीं कर लेगी? क्या सारे डॉक्टर जो रोगियों का इलाज कर रहे हैं, सभी नर्सेज जो रोगियों को दवा इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या मृत्यु को प्राप्त हो गए? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सेवा का कार्य निर्भयता से किया जा सकता है। एक सिपाही जब दंगे हो रहे होते हैं, तलवारें चल रही होती हैं, अगर वह अपनी ड्यूटी से भाग जावे तो कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। युद्ध क्षेत्र में अगर सैनिक पीठ दिखा देवे तो कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। सैनिक बनने के लिए ट्रेनिंग में कहा जाता है जोश, अगर गोली खानी है तुम्हारी मृत देह जब यूनिट वाले लेने जाए तो तेरी पीठ में गोली नहीं होनी चाहिए। अर्थात युद्ध में भागते हुए तेरे को पीछे से गोली नहीं मारने वाला हो, सीने में गोली हो। गीता प्रमाण है। अपने कार्यक्षेत्र में सेवा करते हुए अपने प्यारे प्राणों को निछावर कर देना, मरना नहीं होता, जन्म जीत लिया जाता है। बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन को काट दिया जाता है। एक व्यक्ति कहने लगा, आप जो कर रहे हैं थोड़ा सा संभल के। मैंने क्या करूं, एक चादर बिछाकर चार व्यक्तियों को लेकर रोने लगूं, चिंता करने लगूं, व्याकुल हो जाऊं, क्या करूं? ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है। जो मेरे कार्यक्षेत्र में है, जो सेवा दी है, वह तो मुझे करना ही है और निर्भयता से करनी है। डर भय के साथ सेवा नहीं हो सकती। अगर सैनिक डर जावे -15 -50 वहां इतनी सर्दी में मैं कैसे रहूंगा, तो वह तो देश की सेवा भी नहीं कर पावेगा। डॉक्टर डर जावे कि ये तो महामारी प्राण लेवा है, मैं रोगियों की इलाज के लिए अस्पताल में नहीं जाऊंगा। अब इंजेक्शन ऑनलाइन तो लग नहीं सकता, नर्स को इंजेक्शन तो स्वयं लगाना होगा। कहने का तात्पर्य केवल यह
नुक्ताचीनी करनी बहुत आसान है, स्वयं कर नहीं सकते, जो कर रहे हैं उनका मनोबल गिराने का प्रयत्न कदापि ना करना, क्योंकि वह मनोबल उसका नहीं, वह परमात्मा का दिया हुआ है। वह परमात्मा स्वयं भीतर वास करता है, वह सेवा में लगा रहता है और अपने जन को किसी को भी निमित्त बनाकर भीतर अवतरित होकर यह अपना कार्य वह स्वयं कर रहा होता है। अपना कर्म क्यों बिगाड़ना? क्या मांगना? जो कहा है आपको मुझको गुरु महाराज ने, वह करना होगा। पूज पूज श्री राम को मन मंदिर में पूज, जो तुझे करना है वह कर, वह तो तू करता नहीं। क्या करता है? मन मंदिर में पूजना तो राम को है, पर मन में पर दोषों को, पर दोष निरीक्षण दृष्टि में यह अंतःकरण को कालक लगाता है, अंतःकरण के ऊपर यह कालिक पोतता है। पर अवगुणों को निरखते रहना और उनकी चर्चा करते रहना यह अशुभ कर्म साधक के लिए प्राणों के हरण से अधिक घातक है, क्योंकि आत्मा को अधोगति को ले जाने का कारण बनता है। ये गंदगी को देखना, गंदगी को बोलना और दूसरों के अंदर बुराइयों को ढूंढना, अपने आप को बुराई के क्षेत्र में प्रवेश कर देना है। प्रकटे जिस जन में हरि, यह सेवा, यह जाप, यह शुभ कर्म जिस हृदय में वह प्रकट हो जाता है, जिस देह में वह प्रकट हो जाता है, प्रकटे जिस जन में हरि, कर दे उसे निहाल। अब वह तो निर्भीक है, जंगल में जब शेर अकेला घूम रहा होता है उसको किसी का किसी प्रकार से भय नहीं होता, किसी का डर नहीं होता उसे, उसे अपनी ताकत पर पूर्ण विश्वास होता है। सेवक को अपने भीतर अपने गुरु और अपने श्री राम की ताकत का पूरा आभास होता है। भगवान ने कहा जन्म और मृत्यु मैं हूं, जन्म देने वाला पिता भी मैं हूं और सबको हरने वाली मृत्यु भी मैं हूं, वह भीतर बैठा है। जब अवधि पूरी हो जाएगी ले जावेगा, मैं अपने कर्मों का त्याग क्यों करूं? ये मेरे निसर्गिक सिद्धांत है। जो कार्य आपको दिया है आप करते हैं, जो मुझे दिया है मैं करता हूं। ये सेवक प्रकटे जिस जन में हरि, कर दे उसे निहाल, परम प्रेम को दान कर। ये सेवा प्रेमवश होती है। जिसके मन में आपा मैं होगी वह सेवा नहीं कर सकता, सेवा दी नहीं जाती। ध्यान रखना, सेवा दी नहीं जाती, सेवा ली जाती है, ग्रैब करना होता है, छीननी होती है सेवा। कोई देने नहीं आएगा, सेवा लेनी होती है। आज जो सेवा का कार्य कर रहे हैं सभी दुबक के बैठे हैं अपने अपने घरों में, इस ओर मैं और अधिक कुछ नहीं कहूंगा, परंतु जो सेवा में लगे हुए हैं आप उनका हौसला बढ़ाने के लिए तो कार्य कीजिएगा,
अगर प्रशंसा, सेवक को प्रशंसा तो चाहिए ही नहीं, सेवक कहे नाम के भूखे, लगते दाम उन्हें रुखे सूखे। सेवा को जो सेवक, सच्चा सेवक होगा, अपने प्रशंसा तो वह सुन ही नहीं सकता, अपने आप में पसीना आना लगता है, डूबने लगता है भीतर, अगर कोई उसकी प्रशंसा करता है। और कोई कटु वचन, निंदा करता है तो उसे कोई भी अंतर नहीं होता, भीतर यह निंदा उसके लिए कोई भी, उसके चिदाकाश में कोई भी अंतर नहीं लेके आती, वह अपनी लगन का पूरा पक्का ही हुआ करता है। प्रकटे, जिसके हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं वे ही सेवा कर पाता है। प्रकटे जिस जन में हरि, कर दे उसे निहाल, परम प्रेम को दान कर, होकर परम दयाल, जिस पर वह दया कर देता है। वह दयालु है, परम दया करके, अगर यह निधि खजाना उसने किसी को दे दिया, वह दिया हुआ वापस नहीं लेता, उसका योग क्षेम, क्योंकि वह अपने कार्य में प्रभु के सम्मुख, अपने गुरु के सम्मुख, अपने कर्तव्य कर्म के सम्मुख, अपनी सेवा के सम्मुख अनन्य निष्ठावान होता है, अनन्य। और यह अनन्यता, यह निष्ठा, यह विश्वास, ये भीतर हौसला और यह भीतर और सेवा करने का भाव वही भरा करता है, वह परमात्मा भरा करता है। हे प्यारे, तेरे को करना क्या है? पूज, पूज श्री राम को, मन मंदिर में पूज। जो तुझे करना है तू वो कर, अनावश्यक ना चिंता कर, ना भय कर, ना शोक कर। चिंता, भय, शोक, तेरे अंदर जो ऑक्सीजन का संचार, फेफड़े, तेरे लंग्स, ब्लड में जो पंप करके ऑक्सीजन भेज रहे हैं, उसमें कमी आ जाएगी, शिथिलता हो जाएगी। अच्छा भला व्यक्ति, अच्छा भला व्यक्ति चिंता करके, शोक करके, भयभीत होकर के अपने अंदर ऑक्सीजन आप काम कम कर लेता है, डर के मारे भीतर का मज्जा जाल ही बिगड़ जाता है। क्या कर तू? गुरु महाराज की वाणी को मान लो, सत्संग में आते हो केवल सुनने तक सीमित नहीं रखो, बहुत आनंद आया, ये आनंद भी तभी परिपूर्ण होगा अगर अपने कर्मों में ले आवेगे। पूज, पूज श्री राम को, मन मंदिर में पूज। जो तेरा कार्य है तू वह कर, ये जन्म और मृत्यु तेरा ये कार्य नहीं है, ये तेरे वश में नहीं है, मृत्यु तुम्हारे वश में है, जन्म तुम्हारे वश में है। वह सभी अज्ञानी, गीता ने स्पष्ट कहा, इसके और उसके मेल से जो संतान प्राप्त हो गई वह अज्ञानी है। जब तक मैं, बीज बोने वाला पिता तो मैं हूं, जब तक मेरी इच्छा नहीं हो, कितने भी उपाय कर लो, जीव जन्म नहीं ले सकता। इसी प्रकार कितने भी उपाय कर लो, ये मृत्यु मेरे अधिकार में है। कब, कैसे, किस प्रकार, ये क्षेत्र आपका नहीं, ये परमेश्वर का क्षेत्र है। यह वह सोचे, तुम्हारे को जो कहा है वह करो, वो तो करते नहीं। अनावश्यक चिंता, चिंता चिता समान है, नित मानव मरता है, नित मरता है, हर पल मरता है चिंता करके।
भयभीत होकर के। मरना एक बार अच्छा होता है, जितना जीवन है पूरे विश्वास के साथ जियो। जितना भी जीवन है तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस परमेश्वर के हाथ में है। तू अपना काम कर जो तेरा है, पूज पूज श्री राम को, मन मंदिर में पूज। मन में भय डर भीरुता ना होवे, मन में राम होवे। पूरन मासी आएगी, तेरे उत्तम दिन अवश्य आ जावेंगे। वह चंद्र पूरन ज्योत्सना लेकर तेरे जीवन को प्रकाशित करने के लिए समय नहीं लगेगा। पूरन मासी आएगी, हुई चांदनी दूज, दूज का चांद। बड़ी ही कठिनाई से उसके दर्शन होते हैं। इसी प्रकार तेरे जीवन की वह चांदनी कब आएगी? जब पूज पूज श्री राम को, मन मंदिर में पूज, मन में और भाव निकाल दे तू सारे। तेरा आत्मा इसका नाश कदापि नहीं होने वाला। आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम। सारी दुनिया को छान मारते हो जानने के लिए, कटाक्ष करते हुए सबको जानते हो, उसमें ये बुराई ये बुराई ये बुराई, उसमें ये कमी वो कमी। जो भीतर आत्मा है उसको भी तो जान लो। ये जो जीवन है, प्राण और अपान, श्वास का लेना और छोड़ना, इस पर आधारित नहीं है। केवल इस पर आधारित नहीं है कि सांस चल रहे हैं, सांस अंदर जा रहा है, प्राण अंदर जा रहे हैं वायु के रूप में, और जो छोड़ रहे हैं ये शरीर, केवल इससे नहीं चल रहा। शरीर चल रहा है आत्मा के ऊपर। जब तक आत्मा है, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, ये वायु प्राण के साथ भीतर जाता है, क्योंकि अब आत्मा उस शरीर में आ गया। ये प्राण और अपान, सांस लेना और छोड़ना, उस आत्मा के लिए यह प्राण आते और जाते हैं। जब आत्मा भीतर, चाहे आप इन्फेक्शन कह लीजिए, चाहे भीतर की जो मज्जा जाल है, फेफड़ों में अकड़न, लंग्स में, और लीवर, हार्ट इत्यादि, जब ये इनमें अवरुद्ध आने लगते हैं, आत्मा को लगता है कि अब ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। आत्मा ने तो कदापि मरना नहीं है, आत्मा ने तो केवल ये घर ये चोला बदलना है। रहने के अयोग्य, अब उसमें अगर घर में दरारें आ जाए, सीलन आ जाए, छत टपकने लगे, तो कौन कौन सीवरेज का पानी भीतर आने लगे, कौन भद्र पुरुष ऐसे घर में, ऐसे कमरे में रहना चाहेगा जिसमें त्रेड़ें आ गई हैं, जिसमें दुर्गंधी आ गई है, जिसमें सीवरेज का पानी आने लगा है? ऐसे कमरे, ऐसे घर में कौन रहेगा? इसी प्रकार ये देह एक घर है, अगर इसमें विकार आ जावेंगे तो आत्मा निर्णय कर लेता है कि अब मुझे इस घर और मकान को छोड़ना है। ज्यों ही निर्णय करता है आत्मा, प्राण आना जाना बंद कर देते हैं। जो मेरे ईश्वर को, मेरे स्वामी को नहीं भा रहा,
उस स्थान पर सेवक भी नहीं जाता, तो ये प्राण और अपान उस आत्मा की सेवा में लगे होते हैं, तभी ये शरीर चलता है। अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखना, इसकी सार लेना सबका कर्तव्य कर्म है। परंतु भयभीत होना, भयभीत होना भीतर के अपने इन उपकरणों को नाश करने के बराबर है। सत ज्ञान समझो, समझने का प्रयत्न करो, यूं ही हवा में बातें करना कदा भी उचित नहीं। ये हमारे ग्रंथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा विधान है। इस जीवन को कैसे चलाना है, किस प्रकार से भाव होने हैं, ये सब इसमें वर्णन किया है। इसको तो पढ़ना नहीं, क्या पढ़ते हैं, उसके मन में क्या है। वाह, जो तेरे संग नहीं जाना, तेरे किसी काम का नहीं, अपने आप को जलाना, अपने आप को भीतर दूषित करना, ये कौन सी बुद्धिमता है। जो जन हरि के हो रहे, गुरु महाराज की वाणी भक्ति प्रकाश, जो जन हरि के हो रहे हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करता हरि संभाल। सेवक को यह दृढ़ विश्वास है अपने गुरु की वाणी पर, जो जन हरि के हो रहे हरि की करते काज, योग क्षेम उनका सभी करता हरि संभाल। मेरी रक्षा मेरी संभाल मेरा राम करता है, तू क्यों चिंता करता है। केवल इस देह को बचाने के लिए तुम सब चिंता करते हो देह को, और हरि सेवक चिंता करता है अपनी आत्मा की। आत्मा को मुझे किस लोक में ले जाना है, यह सेवा करते हुए, नाम जाप करते हुए, यह ज्ञान बांटते हुए, यह देवों का गुण है, मुझे देव लोक में प्रवेश करना है। मुझे वह सभी कर्म ऐसे करने हैं कि अपनी आत्मा को देव लोक में ले जाना है। और जो निंदा चुगली वैर विरोध कला क्लेश, वह तो कीड़े मकोड़े की जूनी में जाने के लिए बड़े ललायत हैं, वह ललायत हैं कि मुझे गंदगी पसंद है, मुझे कॉकरोच बना दो, मुझे गटर में जाना है। भज ले श्री भगवान को, अवसर बीता जाए, नाम रतन धन लूट ले, बीता हाथ ना आए। ये प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण प्रत्येक ये तेरा एक एक पल बीतता जा रहा है। मत सोच तू समझदार हो रहा है, तू नित मृत्यु की ओर कदम बढ़ा रहा है और तेजी से जा रहा है। समय बहुत ज्यादा नहीं है, जितना है उसको तो संभाल लो, बनी में बाजी जीत ले। अभी तेरी बनी हुई है, तेरे शरीर के साथ, तेरी बुद्धि के साथ। वृद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुंच हुआ। वृद्ध अवस्था में तो सूझता भी नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने ही पुत्र पुत्रियां इनको नहीं पहचानता। अब तो तू पहचान ले तेरा कर्म क्या है और तुझे करना क्या है और तू कर क्या रहा है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। कल 3 मई पूज्य संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज का निर्वाण दिवस, परंतु ये सारा जो इस समय वातावरण है इसको ध्यान में रखते हुए कल प्रातः केवल 7 से 8 एक घंटे का ही कार्यक्रम होगा, ताकि सभी सुरक्षित रहें। विशेष कार्य नहीं रखा गया, नित का जो सत्संग है उसी में हम उनको अपने श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि ऐसी दिव्य आत्माएँ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें सत पथ दिखाने के लिए और दृढ़ता से उस पर चलने के लिए हमें वचनबद्ध करके गए। आज ये दृढ़ता
ये समर्थता, ये जिस प्रकार से भी भाव है, ये इन्हीं पिता के दिए हुए हैं। ये शूरवीरता का भाव, ये निर्भयता, ये इनकी देन है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कर दिखाया था और उसी का अनुकरण कर रहे हैं। वही शक्तियाँ आती हैं, अपना कार्य करती हैं, उसी धाम में चली जाती हैं। स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, पूज पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज और अन्य अनेक देवी देवतागण, अनेक साधक नित नियम से अपने इसी पूजन में लगे रहते हैं। और जब वह दृष्टि गोचर होते हैं, आत्मा उनको देखता है, तो और भीतर भाव उत्पन्न होता है कि मुझे यहीं पर पहुंचना है। वहां भय नहीं, अगर यहां भय है तो वहां स्थान नहीं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्व शक्ति मति परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मति परमात्मनि श्री रामाय नमः। श्रीमते परमात्मने श्री